देश में फिर बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में आए 18,815 नए केस, तो जबकि 18 की हुई मौत। जापान के पूर्व सीएम शिंजो आबे की हालत अब इस वक्त बेहद नाजुक, रैली में भाषण के दौरान हुआ था उन पर हमला। ट्विटर ने अपनी हालिया कार्यवाही में ये साबित कर दिखाया कि गैर जिम्मेदाराना हरकत ट्विटर पर पड़ेगी भारी। दरअसल ट्विटर ने अपने हजारों फेक अकाउंट्स को किया बैन। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव की तबीयत में सुधार। बेटे तेजस्वी यादव ने कहा कि कृपया कोई भी गलत जानकारी ना फैलाए। भारतीय महिला हॉकी टीम की FIH महिला वर्ल्ड कप पूल बी ने अपने अंतिम मैच में मौके गंवाने का खामियाजा भुगता। न्यूजीलैंड के खिलाफ गुरुवार को एम्स केल्विन में 3-4 से हारे। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के 6 जिलों में जताई भारी बारिश की आशंका। 6 जिलों को किया रेड अलर्ट घोषित, तो वहीं मुंबई में 10 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट किया जा रहा है घोषित। महाराष्ट्र में विधायकों के बगावत के बाद अब एक के बाद एक नए झटके। उद्धव ठाकरे को लगा फिर नया झटका। थाने के बाद अब नवी मुंबई में 32 शिवसेना पार्षदों ने एकनाथ शिंदे को दिया अपना समर्थन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा के 9 निर्वाचित सदस्यों से की मुलाकात। बीजेपी के 18 नव निर्वाचित सदस्यों में से 17 ने ली शपथ। राज्य की राजनीति में फिर हलचल। नाना पटोले पहुंचे दिल्ली, कांग्रेस विधायकों पर गिर सकती है गाज। फ्लोर टेस्ट के दौरान नदारद थे कांग्रेस के 10 विधायक। और अमेरिका के कटिबंधीय क्षेत्र में महासागरों के पास तेज तूफान ने मचाई तबाही। डेरे चुनाव के चुनाव के कारण मंगलवार को 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, जिससे कई बिजली की तारें और पेड़ तक टूट गए। इतना ही नहीं, तो इस तूफान की सबसे चर्चित बात ये रही कि इसकी वजह से आसमान का रंग हो गया हरा।